मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के भी योगेंद्र पवार में। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की लेटेस्ट गुड और दोस्तों आधिकारिक न्यूज में बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको भी आप दोस्तों प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसको करने के बाद आपको आने वाली इसी प्रकार का जो गुड न्यूज होगी वो दोस्तों आपको मिलती रहेगी, और दोस्तों नई नई वीडियो आप देख पाएंगे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो बढ़ते आज की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी वीडियो वो भी आप देख सकते हो चैनल के माध्यम से, जो भी पुरानी वीडियो भेजी गई है, एक दो वीडियो का मैं नहीं कहूँगा, लगभग 95% वीडियो आधिकारिक ही है, कभी कभार आ गई होगी वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों इस चैनल का ये कर्तव्य है कि जो भी न्यूज़ भेजे आपको और आपको बताए वो एक पूर्ण रूप से गुड न्यूज और आधिकारिक न्यूज हो। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिना किसी हिचकी चाट के। तो दोस्तों बढ़ते आज की लेटेस्ट न्यूज़ में। इससे पहले मैं आपको बताऊँ जो थंबनेल मैंने रखा था, थंबनेल में क्या क्या है वो सभी आपको न्यूज़ बताऊँगा मैं। सेकेंड गेट रिजल्ट खुशखबरी, अगले सप्ताह आएगा रिजल्ट, आरपीएससी ने की घोषणा, सेकेंड गेट पदों में हुई बढ़ोतरी, फर्स्ट गेट फॉर्म वापस होंगे ओपन, आरपीएससी आज की बड़ी खबर। तो दोस्तों ये जो भी है मैंने लिखा है थंबनेल वो तो सभी दोस्तों आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करो, वीडियो को पूरा देखे, पुरानी वीडियो एक दो दिन में शायद ऐसी गई थी जिसमें आपके डिसलाइक ज़्यादा आए थे लाइक से, वो अलग बात, लेकिन दोस्तों आज जो न्यूज़ है वो मेरे हिसाब से इसमें लगता है कि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना भी कम है, क्योंकि जो मैंने लिखा वही न्यूज़ है, और पहले भी ऐसे हुआ था, पहले जो लिखा था वही न्यूज़ भेजी थी, लेकिन दोस्तों आपने शायद देखी सही नहीं होगी इसलिए आपने शायद डिसलाइक कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़्यादा करिए। इस वीडियो पे कितने लाइक आते हैं दोस्तों मैं भी देखता हूँ, कम से कम लाइक खूब इस वीडियो पर आना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आपको अच्छी लगे और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो आपको खुशखबरी की न्यूज़ मिली है अगर आपको, तो दोस्तों आप लाइक करें वीडियो को, डिसलाइक ना करें। तो दोस्तों आप सामने यहाँ पर देख सकते आज के न्यूज़ की है, आज के न्यूज़पेपर की न्यूज है, कहा कि अजमेर से न्यूज है, अगले सप्ताह से आएंगे परिणाम, राजस्थान लोक सेवा आयोग तैयारी में जुटा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ऑनलाइन जाके भी इस अखबार को सर्च करके देख सकते हो। एमबीसी आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद अब राजस्थान लोक सेवा आयोग अटके हुए परिणाम जारी करने की तैयारी में जुट गया है। आयोग में एसआई परीक्षा, प्रधानाध्यापक परीक्षा, सहायक अभियंता सहित विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए। दोस्तों इसमें सेकेंड ग्रेड का नाम लिखा उन्हें, जो मिस प्रिंटिंग है जो छापने का बोल दिया होगा वो छाप दिया होगा, ऐसे परीक्षा एक दो, और प्रधानाध्यापक है, और सेकंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट और जो भी ये माध्यमिक शिक्षा की है, और सहायक अभियंता सहित विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए। इस सप्ताह आरएएस बुक के परीक्षा जिसका एग्जाम आज और कल है 2018 आयोजित कराने के बाद आयोग अब अगले सप्ताह से अटके हुए परिणाम जारी करना शुरू कर सकता है। तो दोस्तों जुलाई में आपके बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आ सकती है, प्रभावित होगा आयोग का भर्ती कैलेंडर। एमबीसी और ईडब्ल्यूसी को आरक्षण का लाभ देने के लिए आयोग को उन भर्तियों में संबंधित विभाग से संशोधित वर्गीकरण मंगवाना होगा जिनमें परीक्षा नहीं हुई, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है। आयोग की ओर से जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर तक परीक्षाओं की तिथि निर्धारित हो चुकी है, इनमें स्कूल व्याख्याता एससीएफ सहित अन्य परीक्षा शामिल है। वर्गीकरण में संशोधन होने से आयोग को परीक्षाओं की तिथि में भी बदलाव करना पड़ सकता है। जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है जुलाई में दोस्तों वो देखते आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो इसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट है, मैंने आपको कल बताई थी दोस्तों, उपेन यादव है जो राजस्थान बेरोजगार की महासंघ के अध्यक्ष है, उन्होंने उनके फेसबुक पेज पे एक न्यूज़ पोस्ट की थी। तो दोस्तों जो भी एक आदेश आया था कार्मिक विभाग को, उसने उपेन यादव जी ने पूरा एकदम पूरा विश्लेषण करके ये शॉर्ट में उन्होंने बताया है, पूरा पढ़ने से मतलब नहीं, वैसे भी हमको मालूम पड़ेगा नहीं और आपने शायद अलग ही समझ लिया होगा। जो फॉर्म वापस फर्स्ट गेट के रीओपन होंगे या केवल जो ओबीसी वालों को वापस भरा जाएंगे जो एमबीसी में अब आए हैं, अब देखते क्या होता है। आदेश प्रक्रिया दिन वो भर्तियाँ जिनमें अभी तक फाइनल चयन सूचियाँ जारी नहीं हुई है या परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है, उनमें एमबीसी पास परसेंट को लागू करने के आदेश, जैसे कि सेकंड गेट है जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, सेकंड गेट एचएम और एसआई में जो एमबीसी को 1% पहले मिला हुआ था वो दोस्तों 5% मिलेगा, और दोस्तों अतिरिक्त जो 4% है, जैसे मान लो 1% पे 2 सीट इनको मिली थी एमबीसी वालों को, अब सही जैसे 7 सीट, तो 5 सीटें क्या करेंगे अलग से इनको शेडो पोस्ट क्रिएट करके इनको देंगे, ऐसे नहीं कि ओबीसी में से निकाल के देंगे, मतलब ओबीसी वालों को घाटा नहीं होगा। इसके अलावा जिनमें अभी किसी शरण की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है उनमें दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, मतलब जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है। इसके अलावा जिन भर्तियों का परिणाम जारी हो चुका या परीक्षा आयोजित हो चुकी है उनमें 4% अतिरिक्त पद सृजित करके एमबीसी वर्ग को दिया जाएगा बैकलॉग, जिसमें किसी अन्य वर्ग का नुकसान नहीं होगा, जैसे कि सेकेंड ग्रेड एसएम और ये आपके एसआई का रिजल्ट है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में इसके संदर्भ में परीक्षा एजेंसी जारी करेगी संशोधित विज्ञापन, जो अभ्यर्थी अपने मूल वर्ग के कारण पहले आवेदन नहीं कर पाए वह भी कर सकेंगे आवेदन। दोस्तों इसमें एक स्पेशल लिखा हुआ है, और मैंने कार्मिक विभाग का पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी ओबीसी के थे और एमबीसी में आए हैं उनके जो मूल वर्ग
छूट गया है तो उनको एक बार ओपन करने देंगे पूरा। अब आरपीएससी से आएगी तो पूरा फॉर्म वापस सभी को भरवा सकती है, वापस जो नए कैंडिडेट वो भी इसमें आ सकते हैं, या फिर जो एमबीसी में सेलेक्ट हो, एमबीसी जो एमबीसी में आए ओबीसी वाले केवल उनके लिए ओपन कर सकती है, आरपीएससी पे डिपेंड है। इसका अर्थ ये नहीं निकाले कि पूरा फॉर्म ही वापस ओपन होगा। नोट दोस्तों, अभी कार्मिक विभाग ने अधीनस्थ बोर्ड एवं आरपीएससी एवं सभी विभागों को सर्कुलर जारी किया है सभी लंबित भर्तियों को लेकर। दोस्तों जब तक परिणाम जारी नहीं हो जाते और प्रक्रियाधीन भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता तब तक हमारा आंदोलन स्थगित नहीं होगा और 1 जुलाई को जयपुर में सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन होगा। इसलिए सभी लोग 1 जुलाई को जयपुर जाए आए और यदि 1 जुलाई से पहले से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और सभी परीक्षा का परिणाम जारी कर देते हैं तो 1 जुलाई का जयपुर में होने वाला आंदोलन नहीं होगा। और जयपुर में 1 जुलाई का होने वाला आंदोलन अभी यथावत है, सभी लोग जयपुर जरूर पहुंचे। तो इन्होंने कहा दोस्तों जो भी प्रक्रिया दिन भर्ती है जिनका रिजल्ट अभी तक आना बाकी है और जो रिजल्ट जिनका आ गया और नियुक्ति प्रोसेस बाकी जैसे कि सूचना एक भर्ती है तो ये अगर 1 जुलाई से पहले नहीं हुआ तो दोस्तों 1 जुलाई को ये आंदोलन करेंगे कहाँ पे, जयपुर में। और दोस्तों रिजल्ट पहले आ गया या प्रोसेस किसी का स्टार्ट पहले हो गया नियुक्ति का तो दोस्तों ये आंदोलन नहीं करेंगे, ऐसा इन्हें उपेंद्र यादव ने कहा जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज ये गुड न्यूज थी, इसमें कोई गलत न्यूज मैंने दी नहीं, जो लिखा वही दिया आपको। तो दोस्तों देखते हो कितने लाइक आते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक डिसलाइक से बहुत ज़्यादा आए, डिसलाइक का कोई मालूम नहीं पड़ना चाहिए और लाइक को दिखना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।